नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करना चाहूँगा अपने इस चैनल पे। और आज की वीडियो पे मैं आप सबको लेकर के आया हूँ एक नए प्रसाद में, नया या इसे आप कह सकते हैं एक नई वीडियो जो मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। और ये नई वीडियो जो आपको आज बताएगी, जिसे आपको लिए मैं एक डिटेल लेकर के आया हूँ आज की TVS अपाचे के बारे में। देखिए, ये TVS अपाचे BS4 या 2017 एडिशन बिल्कुल भी नहीं है, आप इसे आज की एडिशन को बिल्कुल मत मानिएगा। लेकिन मेरा उद्देश्य आपकी इस TVS अपाचे के बारे में कुछ जो मिथक हैं, जो मिथ्याएं हैं लोगों के दिमाग में, मैं उस कंफ्यूजन को दूर करना चाहता हूं। क्योंकि कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये TVS की अपाचे में कुछ कमियां हैं, कुछ बहुत मेजर दिक्कतें हैं, और ऐसे दिक्कत के कारण ये आपकी अपाचे बिल्कुल भी सक्सेसफुल बाइक नहीं है। जबकि मैं आप लोगों को एक बात ये बता देना चाहता हूँ कि अपने दिमाग से ये बात बिल्कुल निकाल दीजिए। क्योंकि आज मैं कुछ आपको अपाचे की कमियां जो इसमें मैं मुझे लगी और कुछ इसके बेनिफिट जो कि बहुत हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। देखिए, मैं TVS का फ़ैन बिल्कुल नहीं हूँ। अगर आप ये मान रहे हो कि मैं TVS का फ़ैन हूँ या मुझे सिर्फ TVS की बाइक्स पसंद हैं या ऐसा कुछ है, तो बिल्कुल नहीं। बीइंग अ सिंपल ऑनर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द बाइक, मैं अपने इस वीडियो को शेयर कर रहा हूँ, तो इसे आप बिल्कुल ऑनेस्टली ये एक वीडियो माने। मैंने ये बाइक पिछले 5 साल पहले खरीदी थी, 2012 की जब ये नई बाइक आई हुई थी, तो 2012 लास्ट की ये बाइक है। और तब से लेकर के आज 2017 लगभग 5 साल होने वाले हैं अप्रॉक्सीमेट, मतलब 4 साल से ज़्यादा हो गए मुझे इस बाइक को यूज़ करते हुए। और 4 साल की इस बाइक में मैंने आप बहुत सारी चीज़ें इसमें पाई, बहुत सारी अच्छाइयाँ, कुछ बुराइयाँ भी मैंने इसमें पाई हैं, जो कि मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले हम लोग कुछ बात करते हैं इसकी निगेटिविटी की। देखिए, जो निगेटिविटी है वो इसमें ये सबसे बड़ी बात कि जैसे कि इसके कुछ फाइबर पार्ट्स हैं जो कि इसके बहुत ज़्यादा टिकाऊ नहीं है। और बिल्कुल देखिए, इसमें हम इसे टिकाऊ की बहुत ज़्यादा उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये शो के लिए यूज़ किया गया है। तो शो में यूज़ किया गया जो भी पार्ट होगा वो मोस्टली फाइबर का ही होता है, जैसे ये पार्ट है, तो ये बहुत ज़्यादा आप इसे देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा ये टिकाऊ नहीं होगा। ये फाइबर का पार्ट है, टाइट कराने पे रख सकते हैं, लेकिन ये बहुत मजबूत पार्ट नहीं होता है और बहुत जल्दी ब्रेक हो जाता है अगर इस पर ज़्यादा प्रेशर लगे तो। क्योंकि नीचे जो इसके हुक दिए हुए होते हैं, ये हुक बिल्कुल ही सिंपल एक पेज पे एक पेज पे रुके हुए होते हैं, और ज़्यादा से अगर इसका एक हुक पे ज़्यादा जोर पड़ता है तो ये टूट जाता है। वैसे दूसरा जो इसमें आपकी कमी है वो होगी इसके ये जो साइड में एक्सलरेटर के बगल में, हैंडल के बगल में ये रोलर दिया होता है। ये मैंने इसके पहले कई सारी बाइक्स यूज़ की हैं, लेकिन इसमें ये जो है ये मुझे पहली बार लगी कि बाइक अगर किसी साइड गिर जाती है तो ये बहुत जल्दी फ्री हो जाता है। और इसके ये बड़ी कॉस्टली भी हैं। सबसे बड़ी बात, TVS के प्रोडक्ट जो हैं और इस प्रोडक्ट्स के पार्ट्स बहुत कॉस्टली हैं। इवन ये बाइक आज मार्केट में लगभग 90,000 के आसपास आ रही है, लेकिन वो तो ठीक है, पर इसके पार्ट्स कुछ बहुत ज़्यादा महंगे हैं। जैसे कि आप ले सकते हैं, आप एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, वो एग्जांपल ये है इसकी डिस्क प्लेट, जिसकी कीमत लगभग मार्केट में 1300 रुपये के आसपास बैठ जाती है। और ये डिस्क प्लेट की सबसे बड़ी खराबी ये है कि ये चलते चलते आप इसे देख सकते हैं बहुत जल्दी ये घिस जाती है। आप इसे देखिएगा चलते चलते ये बहुत जल्दी, और इवन आप पल्सर यूज़ करिए या किसी और भी बाइक को यूज़ करेंगे पर वो इतना जल्दी नहीं घिसती है। रीज़न उसका भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि क्रिस्टल प्लेटेड डिस्क ब्रेक है और इस बाइक की ब्रेकिंग बहुत ही अच्छी है, इसकी वजह से ये ब्रेक प्लेट्स बहुत जल्दी घिस भी जाते हैं। तो इसमें ये शिकायत आपको आएगी और बाद में हो सकता है इससे हल्की हल्की नॉइस भी आपको चलने में डिस्टर्ब करे, तो ये इसकी एक प्रॉब्लम है। दूसरी बात, मेरी गाड़ी लगभग लगभग 30,000 के आसपास गाड़ी चल चुकी है और ज़्यादा ही होगी। और इसमें आप देख सकते हैं, ये देखिए इसकी टायर्स, अभी यही ये TVS का वही ओरिजिनल टायर है जो लगा हुआ इसमें आता है, ये TVS का यूज़ किया हुआ, देखिए TVS टायर है। और इसमें आज भी आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं। थोड़ा सा मेंटेनेंस आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप गाड़ी को आपसे किस तरीके से चलाते हैं, लेकिन ज़्यादा अगर आप इसे रफ नहीं यूज़ करते हैं, ये देखिए TVS का टायर, तो आप बिल्कुल इसे पा सकते हैं कि ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा, मतलब टायर कोई बहुत ख़राब नहीं है। इसकी बेहतर ग्रिप के लिए आगे जो यूज़ किया गया टायर साइज होगा, वो टायर साइज इसमें 90-90-17 दिया हुआ है, जो कि ऑर्डरिंग में इतना हैवी टायर आगे नहीं होता। इवन पल्सर में भी आप देखेंगे, और यामाहा की मैं अगर फेजर को छोड़ देता हूँ, तो इतना हैवी टायर इसमें नहीं होगा। बाइक की डिज़ाइनिंग के हिसाब से आप पल्सर अगर इसमें कंपेरिजन कर लीजिए या फिर आप और किसी भी बाइक में कंपेरिजन कर सकते हैं, तो ये इतना हैवी टायर इसमें नहीं होते, इसकी एक बेहतर स्टेबिलिटी इसको देता है। दूसरी बात जो मैं इसकी कमी बताऊंगा आपको, वो ये बताऊंगा कि इसकी देखिए जो ये पार्ट है, ये देखिए
हल्का सा ब्रेक पैडल पे हल्का सा बस बम पड़ा, और ये देखिए इसका ये साइड का हिस्सा, ये जो साइड का हिस्सा, ये देखिए कितना जल्दी ब्रेक हो गया। अब मैं ऐसे ये नहीं कह सकता कि ये बहुत ही हल्की सी चोट से टूटा होगा बिल्कुल, लेकिन इतना जल्दी ये पार्ट निकल जाना, ये एक थोड़े से बड़ी बात है। खैर उससे भी कोई बहुत ज़्यादा बड़ा असर नहीं पड़ता, ना ही उससे कोई दिक्कत है। ये आपकी बाइक ब्रेकिंग भी वैसे की वैसे ही, सारी चीज़ें वैसे की वैसे ही है, लेकिन इसमें सबसे कमज़ोर जो हिस्सा होता है वो होता है ये जो रियर व्यू मिरर होता है इसके लगाने वाले ये होल्स, और इसमें ये सबसे जल्दी ख़राब होने वाले हैं। अगर आप अपनी बाइक में ये रियर व्यू मिरर नहीं लगाना चाहते हैं तो ही इसे निकालें, अन्यथा एक बार से दूसरी बार जैसे ही आप इसे लगाएंगे मैक्सिमम 3 बार, और अब मैं बताऊं किसी का अगर मैक्सिमम टाइम पे ज़्यादा आप इसे अगर ओपन ज़्यादा ट्विस्ट करेंगे तो 4 से 5 बार के बाद ये आपकी इसकी जो रिंग्स होते हैं ये बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, घिस जाते हैं, और जिसके बाद इन शीशे को इसमें अंदर लगाना बड़ा मुश्किल होता है। तो आप अगर ज़्यादा इसका उपयोग करते हैं और आपको ये शीशे पसंद हैं तो इसको बिल्कुल भी मत निकालिएगा, क्योंकि ज़्यादा निकालना और लगाना ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। ये देखिएगा ये इसकी रिंग कितना जल्दी आसानी से टूट गई, चाबी अगर आपकी गलत जगह लगी तो बड़ी जल्दी ब्रेक कर जाएगी, बड़ी जल्दी दिक्कत कर जाती है। और इसमें बस और मुझे तो बहुत ज़्यादा कोई कमी नहीं लगी वैसे। आप अगर आप बात करते हैं इसकी राइडिंग परफॉर्मेंस की, तो राइडिंग परफॉर्मेंस में हमें बस एक ही प्रॉब्लम इसमें लगती है, वो है इसकी वाइब्रेशन। मतलब इसमें जो वाइब्रेशन है वो आपका 0 से लेकर के आप जब ऊपर चलाएंगे, जैसे मान लीजिए आप 30 किलोमीटर से ऊपर पड़ते हैं, 60-65 किलोमीटर तक आपको ये गाड़ी वाइब्रेशन महसूस करेगी। अनदर बाइक में अगर आप कंपेयर करें पल्सर, फेजर, अपाचे या 150 cc की किसी भी सेगमेंट बाइक में, इवन एक्सट्रीम में, तो आपको इतना वाइब्रेशन बिल्कुल भी महसूस नहीं होता है। ये वाइब्रेशन महसूस होने का सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि ये गाड़ी आपकी जो है वो लो एंड पे इतना ज्यादा वाइब्रेशन देती है। पर अगर आप इससे जैसे ही ऊपर बढ़ेंगे, ये आपके ऊपर बढ़ने पर जैसे आप 70-70+ स्पीड पर जाते हैं, ये वाइब्रेशन आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा, आपकी स्टीयरिंग उतनी ही फ्री महसूस होगी, वो वाइब्रेशन आपकी स्टीयरिंग से तुरंत चले जाते हैं। और जो कंप्लेन करते हैं कि स्टेबिलिटी नहीं मिलती हाई स्पीड पे या कमियां आती हैं, तो मैं आपकी इस बात को बिल्कुल भी नकारता हूँ। आप जितना ऊपर जाएंगे स्पीड पे 70-80, कभी भी आपको नहीं लगेगा कि आप ऐसी बाइक चला रहे हैं जो आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, ये बिल्कुल भी आपके अंडर कंट्रोल लगेगी। और इसकी ब्रेकिंग इतनी शार्प है, आप एक बार अगर ब्रेकिंग करते हैं तो ये आपको ये नहीं लगेगा कि मैं गाड़ी से गिर जाऊंगा, मेरी गाड़ी मतलब फिसल सकती है, स्किड कर सकती है। आपकी ब्रेकिंग बहुत ही सुपीरियर है, आप किसी भी कंडीशन में, इवन आप सिंगल चल रहे हो या डबल पिलियन के साथ में चल रहे हो, आप ब्रेकिंग करेंगे तो बहुत ही बेस्ट ब्रेकिंग आपको मिलेगी। और इसमें सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं, अगर आप देखिए मैंने इसमें जो रियर टायर लगवा रखा है वो मिशलिन का लगवा रखा है, ये मिशलिन का टायर है आपके लिए, मिशलिन कॉन्टिनेंटल, ये टायर्स हमेशा आपके लिए बेस्ट होते हैं। मैं आपको एडवाइस करना चाहूंगा क्योंकि देखिए आप 100-200-500-1000 रुपए के लिए मैक्सिमम 1000-500 का डिफरेंस हर शहर में आएगा आपके नॉर्मल टायर में और आपके मिशलिन या कॉन्टिनेंटल के टायर में। आप अगर इनका टायर लगवाते हैं तो इनके टायर में आपको सबसे अच्छी बड़ी बात मिलती है बेस्ट ग्रिप जो मिलती है, और ये आपकी एक बार बाइक गिरने से अगर आपको बचा लिए तो जानिए आपके चोट को लेकर के, आपके इंजरी और आपके बाइक में लगने वाले स्क्रैचेस और बेंट्स डेंट्स को बचाने पर आपकी जान लीजिए 1000 रुपये पूरी तरीके से वसूल हो जाते हैं। तो ये बाइक चाहे रेनी सीजन हो, डस्ट हो, या फिर आपका कैसी भी रोड हो, आप अचानक सडन ब्रेक पे भी ये बाइक आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी अगर आपके टायर्स बहुत अच्छे हैं तो। तो मेरी एक सलाह है, ये टायर TVS के बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपके अगर टायर खराब होते हैं या चेंज कराना चाहें तो आप बिल्कुल इन्हें अपग्रेड करा सकते हैं कॉन्टिनेंटल से या फिर मिशलिन से, ये बेस्ट आपको मिलेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात जहाँ पर मुझे इसे जो सबसे बड़ी कमी लगती है, वो कमी लगती है इसके फाइबर के पार्ट्स, और जो इसके पार्ट्स नॉर्मली जल्दी आपको नहीं मिलते हैं वो बड़ी दिक्कत कर जाते हैं। और इस वजह से जैसे इसके कुछ ये रबर ग्रिप्स होती हैं ब्रेक पैडल की, या फिर इसे जो ब्रेकिंग ब्रेकिंग के वायर होते हैं, जो ब्रेक की आपकी पीछे की लाइट जो स्प्रिंग्स होती हैं, ये जल्दी आपको छोटे छोटे पार्ट्स इसको आपको हर एजेंसी पे नहीं मिलते हैं। तो TVS की इवन सर्विस सेंटर पे आपको शायद ना मिले, क्योंकि मैंने एक दो जगह देखा है, ज़्यादा तो मैंने भी नहीं किया लेकिन एक दो जगह पर मुझे ये चीज़ें उपलब्ध नहीं मिली। ये शायद हो सकता है उनकी कमियाँ हों तो ये आपको कमी मिल सकती है, बाकी आपको ऐसी कोई भी नहीं मिलेगी। जैसे कुछ लोग कहते हैं कंपेयर करते हैं फ्यूल गेज की, तो फ्यूल गेज किसी भी तरीके से या आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। इस बाइक की सबसे बेहतर बात यह है ये आपको हमेशा करेक्ट इन्फॉर्मेशन देगी। इसमें आपकी 16 लीटर की टैंक कैपेसिटी है जो कि आपकी डिजिटल मीटर पे 8 बार्स से बताए जाते हैं। आपका जो फ्यूल दिखाने वाला मीटर होगा इसमें ये 8 बार के साथ में होगा, और ये 8 बार्स जैसे ही आपके पर 2 लीटर के हिसाब से ऑब्जर्व किए जाते हैं। अगर आपकी गाड़ी में 2 लीटर तेल है तो एक एक
बार बन जाएगा, और जैसे ही वो 1.5 लीटर होता है, मतलब आधा लीटर खर्च होता है, वो आपकी जो लास्ट बार होती है वो ब्लिंक करना शुरू कर देती है। और 1 लीटर तेल बचने पर आपकी गाड़ी में ये जो देखिए फ्यूल का सर्विसिंग के ऊपर फ्यूल का ये जो साइन बना हुआ है ये एलो लाइट के साथ जल जाता है। तो ये आपकी गाड़ी का एक ऑब्जर्वेशन है। और रिजर्व आपका 2.5 लीटर का इसमें होता है। सर्विसिंग की लाइट रेड लाइट जल जाती है 2,500 किलोमीटर के आसपास, और बैटरी की लाइट आपकी होती है जो बैटरी के वीक हो जाने पर आपको सिग्नल देती है। बाकी इसमें सबसे ज़्यादा आपको इंफॉर्मेशन वाला ये आपका डिजिटल कंसोल है, जिसमें आपको स्पीड ट्रैकिंग, मतलब आप लिमिट लैप टाइमिंग इसमें आप ट्रैक कर सकते हैं कि 0 से 60 आप कितनी स्पीड में यहाँ से गए, और 0 से कितने सेकंड्स में आप 0 से 60 पहुँचते हैं, जो कि मेरा चलाया हुआ 6 सेकंड में है, 5.9 सेकंड में मैं अप्रोच किया हूँ। और आप इसके साथ साथ इसमें अपनी टॉपेस्ट स्पीड जितना भी आपने इसको बाइक को राइड किया हो, इवन आपका आपका जो लास्ट ओडोमीटर है, 2 ट्रिप मीटर्स आपको मिलते हैं, और आपको बाकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके इस मीटर में होती है, जो कि आप देख सकते हैं। आप इसको यूज कर रहे होंगे, अगर टीवीएस अपाचे तो आप इसको बिल्कुल महसूस करते होंगे, और अगर आप नहीं यूज कर रहे हैं तो ये सारी चीजें आपकी जानकारी के लिए बता दूं आपको मिलती हैं। थर्ड बात जो आपको और जानने के लिए इसमें आवश्यकता होगी वो ये होगी, कुछ लोगों की कमियां होती है कि कंफर्ट। देखिए इस 150 सीसी की बाइक में मैं इस बात को आपको 100% चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि इतनी अच्छी आपको जो सिटिंग पॉस्चर होता है, ये पॉस्चर आपको चाहे फेजर हो, चाहे वो आपका सुजुकी की सिक्सर हो, चाहे वो एक्सट्रीम हो, इवन पल्सर, आपकी इतनी अच्छी आपको कंफर्टेबल सीट नहीं मिलेगी, क्योंकि इसका पॉस्चर ही ऐसा है। चाहे वो पिलियन के लिए हो, आप सीट की चौड़ाई विड्थ देखिए, सीट की चौड़ाई हो या राइडर की, पिलियन की बात हो या राइडर की बात हो, दोनों लोगों के लिए बहुत ही कंफर्टेबल पॉस्चर डिजाइन किया गया है इस बाइक में। तो आप लॉन्ग डिस्टेंस पे अगर इस बाइक को चलाते हैं तो बहुत दिक्कत नहीं होगी। इवन मैं तो 100 किलोमीटर अप्रॉक्स विदाउट एनी स्टॉप मैं 100 किलोमीटर लगातार राइड करता हूँ, और मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होती है। इवन मैं 60-70 आराम से चलता हूँ। और मैं आपको ये भी बता दूँ, गाड़ी को अगर आप थोड़ा सा मेंटेन रखेंगे, जी हाँ बिल्कुल, अगर आप थोड़ा सा गाड़ी को मेंटेन रखेंगे, गाड़ी की केयर करेंगे, तो आप मेरी ये बाइक 47-48 किलोमीटर पर लीटर अभी भी माइलेज दे रही है, 47 से 48 किलोमीटर की माइलेज दे रही है। अब आप ये सोच रहे हो 40 की स्पीड पे, जी नहीं, मैं 65-70-72 की स्पीड पे अप्रोक्स चलता हूं, मीन्स आप कह सकते हैं 65-75 किलोमीटर, और मेरी गाड़ी 45+ माइलेज देती है, ये अभी भी दे रही है। जी हाँ, अगर आपको विश्वास ना हो रहा हो तो, लेकिन आप हाईवे पे आप इसे ट्रैक कर सकते हैं। अगर आप शहर में ज़्यादा इसका यूज़ करेंगे, हैवी रश में यूज़ करेंगे, तो 42-45 किलोमीटर आपको बाइक ये 100% माइलेज देगी। बट इसमें शर्त ये है, आपको अपनी बाइक मेंटेन कराना पड़ेगा। और मैं इस बात को बिल्कुल कह सकता हूँ, किसी भी लेवल का ड्राइवर हो, आपकी गाड़ी कभी 40 से नीचे माइलेज नहीं देगी, और अगर वो माइलेज दे रही है तो इसमें आपकी गाड़ी में कुछ फॉल्ट है जो कि आपको चेक कराने की आवश्यकता है। दूसरी सबसे बड़ी चीज आपकी जो सर्विसिंग, देखिए सर्विसिंग कॉस्ट इसकी थोड़ी सी महंगी है अदर बाइक की अपेक्षा, अगर आप पल्सर से कंपेयर करिए या एक्सट्रीम से कंपेयर करिए तो ये दोनों थोड़ी सी चीप है। आप इसके लेबर चार्ज लगभग 300 रुपए का लेबर चार्ज इसमें लगता है, और 300 रुपीज का, और जो इसमें मोबिल पड़ती है वो मोबिल आपकी टीवीएस की दो आती है, एक तो होती है 5,000 किलोमीटर के लिए जिसकी MRP 525 मीन्स 525 रुपए है, और दूसरी है 315 की जो 2,500 किलोमीटर के लिए होती है, ये 2,000 से 2,500 किलोमीटर के लिए ये मोबिल, ये दोनों एक एक लीटर की मोबिल इसमें पड़ती है, और इसकी कीमत 315 रुपए होगी जो 2,000 किलोमीटर के लिए होगी। तो आप इनमें से दोनों में से कोई भी डलवा सकते हैं, पर मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप 2,000 किलोमीटर की मोबिल डलवाइएगा, चाहे जो भी डलवाइए, चाहे इवन आपको और अच्छी अगर परफॉर्मेंस लेनी हो तो आप कैस्ट्रॉल की पावर वन डलवा सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी बाइक आपको मिलेगी, मोटुल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमेशा एक बात देखिएगा जो इसमें मोबिल ग्रेड होनी चाहिए, मोबिल ग्रेड पे खास ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अक्सर मोबिल ग्रेड आपको 10W30 नहीं मिलती, और इसमें जो रिकमेंड मोबिल ग्रेड है वो 10W30 है। तो 10W30 मीन्स 10W30 ये आपको मोबिल का ग्रेड होना चाहिए, इसमें आप यही ढूंढिएगा, क्योंकि तो अगर आपका ये मोबिल का ग्रेड नहीं हुआ तो आपकी गाड़ी में नॉइस और थोड़ा सा वाइब्रेशन कुछ ज़्यादा ही आपको महसूस होगा। ये मैं और मैं बता दूँ, ये इस ग्रेड की मोबिल रॉयल एनफील्ड वाले इस्तेमाल करते हैं, देखिए जान के बड़ा आपको अचंभा होगा, लेकिन सेम
जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया है सेम ग्रेडिंग की मोविल इस्तेमाल की जा रही है, तो आप भी इसी को इस्तेमाल करिएगा क्योंकि ग्रेडिंग चेंज होने से आपके इंजन पे इफेक्ट पड़ सकता है। दूसरी बात, जो मैंने अभी इसमें 5 सालों में अपने चेंज कराया है वो मेरी कह सकते हैं कुछ प्रॉब्लम, जैसे इसमें सेल्फ स्टार्टर खराब हो गया था वो लगभग 25,000 किलोमीटर के आसपास, उसमें हो सकता है कोई डिफेक्ट आया हो, कोई बड़ी चीज नहीं है लेकिन खराब हो जाता है। मैंने एक बार इसमें बैटरी और एक रियर टायर बस खाली इतनी चीजों को मैंने चेंज कराया है, बाकी अभी तक 30 से ऊपर है 30,000 किलोमीटर गाड़ी चली और अभी तक मैंने इसमें कोई भी ऐसी चीज चेंज नहीं कराई है जो कि बहुत बड़ी हो, और अभी भी वैसी ही गाड़ी सेम वैसा पिकअप जैसे नया था। नया से उतना मैं नहीं कहूंगा कि उतना ही ज्यादा आपकी गाड़ी अभी भी स्मूथ है, लेकिन आप को मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ ये आज भी वैसे ही चलती है, ना ही इसमें हैंडल बार में कोई दिक्कत हुई, ना ही जैसे होता है ना कि कुछ बाइकों की वाइलेसर में दिक्कत आ जाती है, ज्यादा गाड़ी चलने पर 10,000 15,000 किलोमीटर पे गाड़ी की हैंडलिंग में थोड़ी सी दिक्कत आती है, वो एक तरफ ज्यादा भागने लगती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी भी इसकी हैंडलिंग वैसे ही स्मूथ है वैसे ही, और मैं इस बात में टीवीएस को की तारीफ करूंगा कि इतनी अच्छी हैंडलिंग इतने हैवी कितने ज्यादा किलोमीटर होने के बावजूद भी नहीं मिलती है जो कि इस बाइक में मुझे मिला। और दूसरी बात, आपकी जो गाड़ी की कंफर्ट वो आज भी है, और अगर मैं टीवीएस चला रहा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ इसी बात पे, इतना इंफॉर्मेटिव डिस्प्ले जो आपके मीटर का है, दूसरी बात इतना अच्छा पिकअप। एक चीज की मैं इसके इंजन में कमी पाऊंगा, लो एंड टार्क। लो एंड टार्क मीन्स आप इसमें ज्यादा हैवी टार्क नहीं पाओगे, 15 हॉर्स पावर का इसका इंजन भले ही है 150 160 सीसी का, लेकिन आप अगर लो एंड में मान लीजिए हैवी स्पीड तक अगर आप इसे एक्सलरेट करेंगे तो वो टार्क आपको इतना हैवी नहीं मिलेगा। बस इस बाइक की मुझे वही कमी नजर आई जो पहले गियर में इतना हैवी लेवल तक आपको नहीं ले जा पाएगा, लो एंड जल्दी ये एक्सलरेट नहीं करता इतना हैवी तरीके से जैसे आप कंपेयर करेंगे और किसी बाइक से, क्योंकि हैवी बाइक में जितना आप जाएंगे उतना लो एंड टार्क आपको मिलता जाता है बिकॉज प्राइस इज हाई, टेक्नोलॉजी इज मोर ग्रेटर देन इट, तो ये भी बात हो सकती है, लेकिन मैं अगर कंपेयर करता हूँ 160 सीसी पे तो बिल्कुल इट इज बेस्ट ओवरऑल बाइक इन 90,000 रुपीज, बिकॉज आज के रेट पे आज के प्राइस पे ये बाइक बहुत ही अच्छी है, बहुत ही कंफर्टेबल है और बहुत ही ज्यादा टिकाऊ भी है। बस केयर थोड़ा सा आपकी मांगती है बाइक, केयर का मतलब थोड़े से फाइबर पार्ट्स के केयर करने पड़ेंगे, थोड़ा सा इंजन का क्या केयर करिएगा क्योंकि सर्विस सेंटर पे अक्सर आपकी बाइक बहुत ही अच्छे से केयर नहीं की जाती है, तो एक विश्वसनीय बंदा देखिए जो आपके बाइक को थोड़ा सा बेहतर सर्विस करे, और बाकी ये बाइक आपकी बहुत ही बेस्ट है जो जिसकी लगभग 4 5 वीडियो मैंने देखा जिसमें लोगों ने इसको डिसलाइक किया है और उसकी ऐसी ऐसी कमियां बताई हैं जो कि मुझे नहीं लगता। जैसे कुछ लोग इसमें ये कहते हैं कि इस बाइक में एक बहुत बड़ी कमी है कि ये बाइक कॉर्नर्स पे इसकी स्टेबिलिटी नहीं अच्छी है, हाई स्टेबिलिटी नहीं अच्छी है, जबकि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कॉर्नर्स पे ये बाइक बहुत ही बेहतर है, इसकी ग्रिप बहुत ही अच्छी है और हाई स्पीड पे आपकी बहुत ही परफॉर्मेंस वाली बाइक है। आप इवन मैंने इसको 118 की स्पीड पे अपना मैक्सिमम चलाया है जो कि मैंने खुद राइड किया है, और ये बाइक आपकी बिल्कुल भी ये नहीं लगेगी कि नहीं है मैं बाइक से कम फॉल हो सकता हूँ, गिर सकता हूँ या मुझे दिक्कत हो सकती है, ये बाइक आपके लिए बहुत बेहतर है। आप अगर परचेस करना चाहें, कोई कमेंट हो आपका तो बिल्कुल कमेंट करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।